दैट इज इंगेजमेंट कॉन्टेंट. अच्छा जनाब, इसकी बहुत बड़ी वेराइटी है कि आप किस तरीके से ऐसा कॉन्टेंट क्रिएट करें जो आपकी ऑडियंस को इंगेज करें. इसमें आप अपनी ऑडियंस से क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, उनसे कुछ इन्फॉर्मेशंस भी शेयर कर सकते हैं, कोटेशंस भी शेयर कर सकते हैं, पिक्चर्स शेयर कर सकते हैं, कॉमिक्स शेयर कर सकते हैं. अच्छा, ये आपको सोचना होगा पहले बैठ के कि जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, जो पेज पर जिसे आप लाना चाहते हैं, उन्हें क्या चीज़ें अट्रैक्ट करेंगी, और वो चीज़ें आपने अपने पेज पर लेकर आनी है. अच्छा, इसमें दो चीज़ें, नंबर वन कॉन्टेंट क्या होगा, और नंबर सेकेंड वो कॉन्टेंट किस चैनल के ज़रिए कस्टमर तक या अपनी ऑडियंस तक आपने पहुँचाना है. विच मीन्स कि पिक्चर्स के ज़रिए पहुँचाना है, रिटन कोटेशंस के ज़रिए पहुँचाना है, या फिर आप उन्हें वीडियोस के ज़रिए पहुँचा रहे हैं, या एनिमेशन के ज़रिए. मैं इसमें सजेशन ये देता हूँ कि आप सारे टूल्स को यूज़ करें, बिकॉज जिसे पढ़ना पसंद है उसे शायद वीडियो अच्छी ना लगे, जिसे वीडियो देखना पसंद है उसे शायद पढ़ना समझ में ना आए. तो आपके पास एनिमेशन भी होनी चाहिए, वीडियो भी होनी चाहिए, पिक्चर्स भी होनी चाहिए, और आप रिटन में भी चीज़ें लेके जाएं. और अगर आप बायलिंगुअल चीज़ें चला रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में हैं और आपको पता है मेजॉरिटी ऑडियंस उर्दू जानती है सिर्फ, तो आपके पेज पे इंग्लिश में भी कंटेंट आना चाहिए और उर्दू में भी आना चाहिए, ताकि आप अपनी उर्दू ऑडियंस को भी इंगेज कर सकें. इसकी मैं मिसाल देना चाहूँगा. पाकिस्तान में एक बहुत मशहूर ट्रेनिंग फील्ड्स हैं, कासिम अली शाह. वो बहुत मशहूर क्यों हुए, बिकॉज उनका मोस्टली कॉन्टेंट उर्दू में था जो कि ऑडियंस से कनेक्ट हो गया. और इसके अलावा अगर आप इंग्लिश में बनाएंगे चीज़ें ज़्यादातर, तो आप मासेस तक नहीं पहुंच पाएंगे, बिकॉज मासेस आपकी लैंग्वेज को नहीं समझ पाएंगे. इसी तरीके से हमने एक क्लाइंट के साथ काम किया था, तो उनका रियल इस्टेट का बिज़नेस था, बिल्डर्स थे वो, देवर बिल्डर्स. तो अब उनके लिए हमने यही सजेशन दिया था कि भाई आप उर्दू में भी कॉन्टेंट प्रोड्यूस करें, लेकिन आप इंग्लिश में भी इंग्लिश में कॉन्टेंट प्रोड्यूस करने के साथ उर्दू में भी कॉन्टेंट प्रोड्यूस करें, ताकि आपकी ऑडियंस कनेक्ट हो सके. अब वो कॉन्टेंट प्रोड्यूस उर्दू में होगा, अब वो कंटेंट रिटन में भी जा सकता है, वो कंटेंट वीडियोस की सूरत में भी जा सकता है, वो पिक्चर्स के साथ भी कुछ रिटन चीज़ें जा सकती हैं, ठीक है ना. उसमें कोई कॉमिक भी हो सकता है, कॉमिक मतलब कोई मजाहिया चीज़ भी हो सकती है, उसमें कोई इन्फोग्राफिक हो सकती है. अच्छा, इन्फोग्राफिक क्या होती है, कि एक ग्राफिकल पिक्चर में इंफॉर्मेशन को समराइज करके लिख दिया जाता है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं किस तरीके से होंगी, आइए ज़रा चलते हैं पेज. अस्सलाम वालेकुम जनाब. इंगेजमेंट कंटेंट कैसे क्रिएट किया जाता है, ज़रा इसे देख लेते हैं. ये एक इंडियन पेज है डॉक्टर विवेक बिंद्रा का. ये दिन में तकरीबन 8 से 10 पोस्ट करते हैं, और सारी पोस्ट बड़ी इंगेजिंग होती हैं. जैसे कि ये एक इन्होंने कोटेशन शेयर किया, ये इन्होंने एक नॉलेज फैक्ट शेयर किया, ये इन्होंने बताया एक हिस्टोरिकल इवेंट, ठीक है जी. और फिर ये आपसे कमेंट करवाने के लिए एक इन्होंने क्वेश्चन पुट किया. इसी तरीके से अगर आप ये देखें तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि आप 15 साल के थे तो आपने क्या किया. फिर हम नीचे आते हैं, जनाब यहाँ इन्होंने अपना एक इवेंट पोस्ट कर दिया, फिर इन्होंने दोबारा इवेंट पोस्ट कर दिया. ये सिर्फ पिछले 24 घंटे की मैं इनकी एक्टिविटीज़ दिखा रहा हूँ आपको. फिर एक इवेंट पोस्ट कर दिया, फिर इन्होंने एक फैक्ट हिंदी में शेयर कर दिया या कोई स्टोरी शेयर कर दी, फिर जो है ना वो इवेंट पोस्ट कर दिया, फिर इन्होंने एक जो है ना वो नाइस मैसेज जैसे शो कर दिया लोगों को. अच्छा, फिर इन्होंने एक टिप शो कर दिया. अब आप इन सब में देखें तो हर पिक्चर में आपको बड़ा बिजनेस एक चीज़ नज़र आ रही होगी. ये इन्होंने वीडियो पोस्ट कर दी 18 घंटे पहले. हम 24 घंटे की इनकी एक्टिविटीज़ को देखते हैं सिर्फ. 18 घंटे पहले एक और वीडियो, फिर इवेंट, फिर इन्होंने एक लफ्ज़ एक वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए एक लफ्ज़ शो किया, फिर वीडियो, फिर एक पोल इन्होंने क्रिएट किया जो हमने भी सीखा. फिर 21 घंटे पहले इन्होंने फिर एक क्वेश्चन पुट किया, फिर इन्होंने एक इंडस्ट्री फैक्ट पुट किया. यानी ये कोई 8 से 10-15 पोस्ट ये दिन में कर रहे हैं लोगों को इंगेज करने के लिए. टाइम फ्रेम आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप कंटेंट में क्या क्या चीज़ें होंगी, वो मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ. टाइम फ्रेम आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप दिन में एक पोस्ट करना चाहते हैं या ज़्यादा. जितनी भी सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनीज हैं वो इसी चीज़ का ज़्यादातर कमिट करती हैं कि हम आपके पेज के लिए महीने में 16 पोस्ट तैयार करेंगे, 20 पोस्ट तैयार करेंगे, और बेसिकली ये सब कर रहे होते हैं. तो मैंने आपको ये ब्लू प्रिंट दे दिया. एक और ब्लू प्रिंट दे रहा हूँ जिसको आप गूगल पे भी सर्च कर लेंगे तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे. ये एक ब्लूप्रिंट है कि 50 सोशल मीडिया पोस्ट आइडियाज़,
ये मैं शेयर भी कर दूंगा और मैं इसे बहुत स्लोली स्क्रीन पर रन कर रहा हूँ ताकि आप इसे नोट डाउन कर सकें। अब आप अपनी टीम के साथ बैठें और डिस्कस करें या खुद बैठें और सोचें कि इन 50 में से कौन सी चीज़ है जो आप अपने बिजनेस के लिए सर्च आउट कर सकते हैं, और नेट से सर्च कीजिए, खुद कुछ लिखिए। अगर आप उर्दू में कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं तो बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि मेजॉरिटी लोग सिर्फ उर्दू समझते हैं, और आप बहुत तेज़ी से अपने कस्टमर्स तक पहुँच सकते हैं ये इंगेजमेंट कॉन्टेंट क्रिएट करके।